सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार भाइयों। दोस्तों, आज मैं आपको सिक्योरिटी के अपने लाइफ में सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके फायदे क्या है, आप क्यों प्रोफेशन से एज ए सिक्योरिटी चुनना चाहते हैं, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो प्लीज आपको अगर सिक्योरिटी के बारे में आपको अगर सुनना है तो मेरे डेली आने वाले वीडियोज को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और मेरे को आपको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी का नॉलेज देने के लिए मोटिवेट कीजिए। दोस्तों, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, सिक्योरिटी का फुल डेफिनेशन क्या है। तो सिक्योरिटी का मीनिंग है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट यानी कि आपको फ्रीडम फ्रॉम डेंजरस और थ्रेट। थ्रेट यानी कि जो आपके लाइफ में घटने वाली घटना है, लॉसेस है, डेंजरस है, उससे आपको फ्रीडम यानी कि छुटकारा, इसलिए आपको सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। तो सिक्योरिटी का मतलब आपके कंपनी नॉलेज में हो तो जान माल, ये जो लाइफ है आदमी पीपल की, उसको बचाना, उसका कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको बचाना। आप आईटी सेक्टर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटराइज डाटा रहता है, वो लीक हो जाता है तो उसी डाटा को बचाना, उसके लिए सिक्योरिटी जरूर रहता है। तो आपको अगर डेफिनेशन और उसका मीनिंग अगर बताना चाहता हूं मैं, तो सिंपल है, अपने लाइफ के यानी कि जान के और माल की हिफाजत करना यानी कि सिक्योरिटी है। तो ये छोटा और उसका डेफिनेशन एक आपको पता चल गया तो उसमें सिक्योरिटी क्या है। तो उसके बाद में आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में। तो हर जगह आप जाइए, देखिए, आप जब से पैदा होते हो उसी अपने घर से लीजिए। घर अगर आप घर छोड़कर आप बाहर घूमने जाते हो तो उसको भी एक ताला लगाते हो, तो उसको सिक्योरिटी जरूरी है। ताला क्यों लगाते हो? तो आपके घर की हिफाजत कर रहा है, वो ताला एक सिक्योरिटी कर रहा है आपकी लाइफ की। आप किधर भी जाइए, सिक्योरिटी हर एक सेक्टर में आपको सिक्योरिटी चाहिए। अपने लाइफ में बोलो, आपके कंपनी में बोलो, चाहे किधर दुकान में बोलो, शॉप में बोलो, मॉल में बोलो, जिधर चाहे आपको सिक्योरिटी जरूरी है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आप इस दुनिया में सेव नहीं है। यानी कि आपको सिक्योरिटी हर एक मोड़ पे आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। सिक्योरिटी है तो आप बिंदास थे। अगर आपके एक मॉल है उसमें सिक्योरिटी लगा हुआ है तो आप घर में आराम से सो रहे, कंपनी है सिक्योरिटी लगी है तो आराम से काम कर सकते। आप बाहर घूमने जा रहे कि आपके होम को लॉक लगा है तो आराम से आप घूम के आ सकते, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट इन लाइफ। सो अभी सेक्टर ऑफ सिक्योरिटी कितने हैं? अपने जहां आप घर से लेके आपके कंट्री वर्ल्ड सब जगह सिक्योरिटी है। आप स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देखेंगे, पुलिस है, SRPF है, सब है। उसके बाद में आप कंट्री लेवल में जाएंगे तो मिलिट्री है, BSF है, तो सब जगह ये सिक्योरिटी है, इसलिए हम जी पा रहे हैं दोस्तों। तो सिक्योरिटी अपने लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर जगह आपको सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए, सिक्योरिटी हर एक सेक्टर में आपको दिखाई देगी। जहां भी जाएंगे आप साइबर सिक्योरिटी बोलेंगे तो आप जितना अब मीडिया इतना फैल गया है, आप मीडिया पे सब चैनल्स देख रहे हैं, आप उनको भी एक सिक्योरिटी है तो उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सिक्योरिटी आपको फुल टाइम भी चाहिए। तो इसलिए इस हर एक सेक्टर में आपको सिक्योरिटी की नीड लगेगी। तो ये सिक्योरिटी अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब नीड ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्यों चाहिए दोस्तों? सिक्योरिटी आपको आपके लाइफ में बिंदास रहने के लिए चाहिए, आपका लाइफ एंजॉय करने के लिए चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी नहीं है तो आप हर वक्त डेंजरस से या तो आने वाली घटना उसका लॉसेस उसमें आप रहेंगे। अगर आप ले लो आपकी लाइफ है तो उसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस करते हो, वो एक सिक्योरिटी है। क्यों लाइफ इंश्योरेंस करते हैं? कि आपके ऊपर जो डिपेंड्स है उनको आगे जाके उसका सिक्योरिटी फायदा हो, उनका लाइफ डेंजरस में ना हो, लॉस ना हो, तो आप कंपनी को सिक्योरिटी देते हैं। क्यों? कि उसमें जो प्रॉपर्टी है उसका परफेक्ट लॉस ना हो, उसका एक तरह से उसको आप बचा के रखिए दूसरे डेंजर जोन से, उसके लिए आपको सिक्योरिटी जरूरी है आईटी डिपार्टमेंट में या तो आईटी सेक्टर में। तो ये आपकी सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस हुई, आपको जरूरत है सिक्योरिटी की। अब आप देखेंगे कि सिक्योरिटी क्या है, तो मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल देता हूं दोस्तों। एक अम्ब्रेला है और उसके जिस पर्सन के हाथ में अम्ब्रेला पकड़ के बैठा वो रेन आ रहा है ऊपर से, तो ये अम्ब्रेला है तो एक सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी दे रहा है उस पर्सन को। किससे? तो बारिश से।
ये आदमी इसलिए बिंदास्त घूम रहा है बारिश में ताकि उसको ये अम्ब्रेला ही सिक्योरिटी कर रहा है। तो आदमी बिंदास्त की ओर भीग नहीं रहा है, वो सिक्योरिटी कर रहा है अम्ब्रेला। अभी दूसरा देखो, आप बाइक पे घूमते हो, बिंदास्त घूमते हो, लेकिन वो अगर हेलमेट पहना हुआ पर्सन है तो वो बिंदास्त घूमता है, क्योंकि उसको पता है अगर एक्सीडेंट हो गया रोड पे, कुछ भी हो गया, तो उसका दिमाग है बचेगा। तो हेलमेट है, एक पूरी सिक्योरिटी दे रहा है। तो दोस्तों, ये सिक्योरिटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट इन लाइफ। हर एक सेक्टर में आप जाएंगे तो सिक्योरिटी है तो आप बिंदास्त है। तो अब देखो सर, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में, जिंदगी में, हर जगह जाओ आपको सिक्योरिटी का मतलब, सिक्योरिटी चाहिए चाहिए। तो बोलो आप दोस्तों, अगर आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आजकल लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी देखने का नजरिया सिक्योरिटी की तरफ लोगों का बहुत अलग सा है, कि वो वॉचमैन समझते हैं उसको, लेकिन वॉचमैन और सिक्योरिटी में बहुत सारा डिफरेंस है लोगों। दोस्तों, आप अगर आपके अभी ऐसा नहीं बोल रहा, आप एक सिक्योरिटी के तरफ एक एज ए प्रोफेशनल बोल के भी आप जी सकते हो, उसको अपना एक प्रोफेशनल बना के अपनी लाइफ बना सकते हो। दोस्तों, आप मेरे आने वाले हर एक वीडियो को देखिए, उसमें आपको इतना ज्यादा नॉलेज दूंगा कि आपका लाइफ एक फैंटेस्टिक मोड में जाएगा और आपके लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस दिखाई देगा। दोस्तों, तो आप सिक्योरिटी की तरफ ऐसा लॉस एरिया न देखिए, आपकी ग्रोथ होगी और वो प्रोफेशनल को बढ़ा जाएगा। आज आपकर वॉचमैन और सिक्योरिटी में बहुत सारा डिफरेंस है लोगों, सिक्योरिटी एक प्रोफेशनल जॉब बन गया है आजकल, और उसकी सैलरी भी आप देखोगे तो मेरे दोस्त है आजकल 20-25 हजार सैलरी ले रहे हैं सर। आप अगर देखोगे तो उसमें सब जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसमें अटैच करते हैं। अभी आप देखोगे तो जीपोरेस बोलो, सेक्रेटास बोलो, हैंडशेक बोलो, ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटीज है दुनिया में कि वो एक वर्ल्ड के मैप में बहुत नाम कमा चुकी है और लोगों को बहुत जॉब दे चुकी है। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सिक्योरिटी का एक प्रोफेशनल बना के अपने लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से अगर शुरुआत करते हैं तो आप आगे बढ़ के कुछ पढ़ाई करके अभी ऐसी सिक्योरिटी नहीं रही कि आप उधर जाके खड़े रहेंगे डोर पे, लेकिन उसमें बहुत डेवलप हो चुका है। अभी आप एक आईटी कंपनी में जॉब करोगे तो उधर सब कंप्यूटराइज वर्कआउट हो चुका है और आपको उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है, सीसीटीवी मैनेजमेंट है, बहुत सारा है। तो उसमें आप अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड से आगे जाके आप एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर बन सकते हो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर से जाके आप एक इंस्पेक्टर या तो सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी SO बन सकते हो, उसके बाद में आप सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हो, उसके बाद में आप सिक्योरिटी मैनेजर बन सकते हो, उसमें एडमिन लाइफ में जाके जा सकते हो, तो पूरे कंपनी के कस्टमर मैनेजर बन सकते हो। आपको इतना प्रोग्रेस है उसमें दोस्तों कि सिक्योरिटी एक ऐसा सेक्टर नहीं रहा कि जिसमें प्रोग्रेस नहीं है। दोस्तों, आप यहां से आगे आने वाले यही मैं बताना चाहता हूं कि सिक्योरिटी एक प्रोफेशन बनाओ, आप उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। मेरे आगे आने वाले हर रोज के वीडियो आपको मैं मिलेंगे, उसमें आप देखते जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को मोटिवेट कीजिए कि मैं इससे भी बेहतर आपको नॉलेज दे सकूं और आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। तो आप मेरे आने वाले हर रोज की वीडियो देखिए। जय हिंद।